तो हाँ यार, आज मैंने लॉक और की के पूरे 3 सीजन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यार इस क्विक रिव्यू को चालू करने के लिए आ जाते हैं स्टोरी लाइन के ऊपर। रेंडल लॉक की डेथ के बाद उनके बच्चे और उनकी बीवी अपने पुश्तैनी घर लॉक हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यार इस लॉक हाउस की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, इसमें कई ऐसी कीज छुपी होती है जिसमें कि आप कई तरह के मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि किसी के दिमाग में जाकर उसकी मेमोरीज को जीना, डोरेमोन वाले एनीवेयर डोर की तरह कहीं भी किसी भी डोर से चले जाना, और यार एक की तो इसमें ऐसी है जो कि सेम शक्ल का बूम बूम वाली है, जो भी आप बनाओगे वो रियलिटी में आ जाएगा। एक इंसान को दोस्तों इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इजी लाइफ। फक यार एक्टिंग रखो साइड में, स्टोरी रखो साइड में, इस सीरीज की दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे इसका बीजीएम, यकीन मानिए भाई बहुत ही गजब का बीजीएम है। खास करके दोस्तों इसका जो इंट्रो म्यूजिक है वो सही में काबिले तारीफ है। अब बात है दोस्तों कास्टिंग के ऊपर। भाई कास्टिंग पूरी की पूरी आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लेना, आपको सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट पर्सनली दोस्तों मुझे बॉडी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और यार इस कैरेक्टर को इस बच्चे ने जो निभाया है वो सच में और भी ज्यादा तारीफ करने वाली बात है। भाई यार एक तरीके से देखा जाए तो लॉक एंड की का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इसी बच्चे के ऊपर बेस्ड है, सेम भाई बिल्कुल लॉक एंड की कॉमिक की तरह। बाकी यार सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है, और भाई इन सब में सबसे बड़ी बात की इजिली अंडरस्टैंडेबल है। कई स्टोरी यार सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनको भाई समझने में पूरा दिमाग लग जाता है, इसके बाद सीरीज को समझने में वो बंदा क्या ही दिमाग लगाए। और यार अगर आपने इस सीरीज को एक बार समझ लिया तो यकीन मानिए भाई इस सीरीज को देखने में इतना ज्यादा मजा आने वाला है ना जिसकी की कोई हद नहीं है। मतलब यार दोस्तों आप ही बताइए, जब हमने मनी हाइस्ट या स्ट्रेंजर थिंग या कोई भी सीरीज देखी थी तो हम उसके बारे में सोचते थे कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कैसे, अगर मान ले ये नहीं होगा तो वो कैसे, हम दोस्तों स्टोरी के बारे में सोचने लगते थे। और आप अगर ये सीरीज देखते हैं दोस्तों तो ये सीरीज के बारे में आप सोचेंगे, और अगर कहानी से क्या ही चाहिए आपको। बाकी यार दोस्तों ये जो स्टोरी थी वो 3 सीजन तक ही सीमित थी, अब इसका कोई भी सीजन नहीं आने वाला। अब इन सबका प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि जिनने नहीं देखी है उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनने देख ली है अब वो सीजन 4 की डिमांड कर रहे हैं जो कि नहीं आने वाला। वहीं यार इस सीरीज का एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई इस सीरीज में कई फोकट के सीन बहुत ज्यादा खींचे गए हैं। बाकी सीजन 3 में दोस्तों मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी कि ये फेडरिक ग्रेडियन का जो कैरेक्टर है भाई इसको थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन यार सीरीज को जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक सेटिस्फेक्ट्री एंडिंग नहीं है, लेकिन एंडिंग और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। मतलब यार इतने बड़े कैरेक्टर की ऐसी एंडिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो शो के मेकर्स को बहुत ज्यादा जल्दी थी। वो होता है ना दोस्तों जब छुट्टी होने वाली होती है स्कूल की, तब हम लोग एक पैर एडवांस में निकाल कर रखते हैं ताकि जैसे ही छुट्टी हो घर जाने को मिल जाए। बस दोस्तों यही चीज मेकर्स के साथ भी हुई, उन्हें पता था कि आखिरी सीजन है, अब घर जाने को मिलेगा। चलिए यार टू बी ऑनेस्ट रेटिंग की बात करते हैं, तो भाई मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। मालूम है यार मैंने बुराई बहुत ज्यादा की है, लेकिन मुझे इस सीरीज से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मुझे वो सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि 10-10, 12-12 सीजन तक खींची जाए, वो भी वे वजह की जैसे कि ससुराल सिमर का खींचा गया, कभी सिमर मच्छर बन जाती थी तो कभी मधुमक्खी। फालतू के सीन और विलन की अच्छी ना एंडिंग होने के कारण मैं 1 ही स्टार काट सकता हूँ। बाकी हाँ यार अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपका नीचे फेवरेट कैरेक्टर मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आपका इस सीरीज में सबसे ज्यादा फेवरेट पॉइंट कौन सा है उसे भी नीचे जाकर कमेंट में बताइए। बाकी चलो यार ठीक है, मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।